वो कभी भी मिटती नहीं है। अमिट है तू, तू ध्रुव है, तू शाश्वत है, अनपेरिशेबल है, तू कभी मिटता नहीं है। ऐसा तत्व है, उसकी जानकारी वैसा ही श्रद्धान, वैसा ही विश्वास और वैसी ही अनुभूति। तो जब मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता, मुझे कोई मिट्टी में मिला ही नहीं सकता, गुस्से में जरूर बोलता है कि भाई तुझे मिट्टी में मिला देंगे। क्या मिलाओगे? तो मैं मिट्टी में मिल नहीं सकता, मैं तो ऐसा तत्व हूं कि कभी भी मिट ही नहीं सकता। घोर उपसर्ग हुए जीव के ऊपर, लेकिन आज तक जीव नहीं मिटा, न कभी मिटेगा। इसका स्वभाव ही अमिट है, अविनाशी स्वभाव है इसका, और वह हूं मैं। तो अंतर में जब सत्य का अनुभव होता है, वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, फिर वह सब पर पदार्थों को छोड़ करके अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है। फ्लाइट ऑफ द लोन टू द लोन, अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है और भीतर की गहराई में डूब जाता है। तब सत्य के मोती को बटोर लेता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती गहरे पानी में होता है, उथले में नहीं होता कि आपने थोड़ी सी बात सच बोल दी, हाँ कबूल कर दिया तो हो गया। लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम आचार्य भगवान कहते हैं इतना करो कि दिन भर में अगर 10 झूठ बोलते हो तो उसमें से मैं 2 झूठ को अवश्य कबूल करूंगा। अगर आज से आपने तय कर लिया कि मैं झूठ कबूल करूंगा कि मैंने ये झूठ बोला है, मुझे पछतावा है, पर इसलिए भी कबूल ना करे ताकि मैं अच्छा दिखूं, लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा, तुम कितने महान हो कि अपना झूठ भी तुम कबूल करने को तैयार हो गए, वो भी गड़बड़ है, वो भी असत्य है। क्योंकि अगर उसके मन में असत्य पल रहा है तो वह वचन चाहे सत्य भी बोले, वह असत्य ही माना जाएगा। अभिप्राय क्या है उसके भीतर का, इसके अकॉर्डिंग कर्मों का बंध होता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने मन के, हृदय के दर्पण को, अपने भावों के दर्पण को पवित्र करें, और जिसका भावों का दर्पण अच्छा हो गया है, निश्चित रूप से उसका जीवन भी सच्चा हो जाएगा। जो व्यक्ति के पास में तलवार है लेकिन वो व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है, उसके हाथ में किसी ने तलवार भी थमा दी तो वह कभी भी अमंगलकारी नहीं होगी, वह भी मंगलकारी ही होगी। लेकिन अगर किसी दुर्जन के हाथ में, असत्यवादी के, जिसके जीवन में असत्य है, उसके हाथ में अगर धर्म का झंडा भी पकड़ा दिया तो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं कि वह धर्म का झंडा भी डंडा बन पीट सकता है, झंडा भी डंडा बन करके पीट सकता है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है जो करो अंतर से करो, भीतर से करो, तब तुम्हारे भीतर में सत होगा तो चित आनंद भी प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन सत्य को बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, तो क्या करें, कैसे जिए? सत्यवादी को बहुत ही वेदनाएं भोगनी पड़ती है। देखो उस पंछी को पिंजड़े में कैद कर दिया राजा ने, बहुत अच्छा बोलता था, बड़ा सुनहरा रूप था उसका, और उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। आज तो सत्य की यही दशा है, झूठ बोलो, काम चलाओ और आगे बढ़ो। लेकिन एक बात कहो, क्या तुम्हारा मन उसे स्वीकार करता है? मन तो टोकता ही है ना कि तुम देखो असत्य बोल रहे हो, तुम असत्य की राह पर चल रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें टोकता रहता है, और जहाँ पर मन हमारा विश्वस्त न हो हमसे, तो निश्चित रूप से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। किसी की आंखों में धूल झोंक करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, नास्ति सत्य समो धर्म नानरनात पातकम परम। सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़ करके कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। तभी तो कहा जाता है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई जीवन में सत्य बोल रहा है और फिर भी उसके जीवन में परेशानी आ जाए तो मैं इसकी जमानत देने आ जाऊंगा।
वो कभी परेशानी में नहीं पड़ सकता है। त्रैकालिक वर्तमान में तो परेशान होगा, लेकिन अंत तो गत्वा उसी की विजय होगी। सत्यमेव जयते। परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन हमें इतनी सब्र नहीं है ना, पता नहीं कब हमारी विजय होगी। अभी झूठ बोलो और धक्का मारो, आगे बढ़ो, बस यही अज्ञानी जी विचार करता है और अपनी शाश्वत सत्ता को भूल जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको सता सता करके सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा को तपा तपा करके सत्य मिलता है उसका दर्शन होने वाला नहीं है। सता सता करके सत्ता तो मिल जाती है लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होता। और जिसको जीवन में एक बार सत्य का दर्शन हो जाता है फिर उसको सत्ता की कोई दरकार नहीं होती। क्या करेगा सत्ता पा करके, ये तो मिटने वाली चीजें हैं। कई बार पद मिल गए लेकिन मुझे तो शाश्वत सिद्ध पद पाना है जो सत्य के बल पर ही पाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बिल्कुल असमंजस में पड़े रहते हैं क्योंकि सत्य तो आजकल सूली पे चढ़ा है, जोर हरदम झूठ का ही बढ़ा है। सत्य के राही तो मुश्किलों में जीते हैं। देखो ना, हरिश्चंद्र बिकने बाजारों में खड़ा है। हरिश्चंद्र को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, और बुद्ध को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी। रामचंद्र जी को वन 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 में भटकना पड़ा। सुकरात को देखो, जहर पीना पड़ा। हरिश्चंद्र को दर दर भटकना पड़ा। जीसस, कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। महाराणा प्रताप को देखो, चित्तौड़ वाले अरावली की घाटियों में भटकते रहे। पांडवों को देखो, क्या भयानक कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए लोग उदाहरण इकट्ठा करके रखते हैं, हम इनके उदाहरणों में जाना नहीं चाहते। हम तो झूठ बोलेंगे और धड़ल्ले से जीवन जिएंगे। करो इस असत्य के राह पर चलते चलते आज तक मिला क्या? तुम्हारा मन भी तुमसे संतुष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना तुमसे संतुष्ट नहीं, ऐसी जिंदगी किस काम की? 100 बार आपत्तियां आए लेकिन अंत तो गत्वा जिसे पूर्ण सफलता मिल जाए वो जीवन की सच्चाई है, वो जीवन का आनंद है। वो 100 बार की असफलता की पीड़ा को एक क्षण में दूर कर देता है, जैसा कि रात भर के घने अंधेरे को सूरज की एक किरण आती है और सारे अंधकार को तबस को तिरोहित कर देती है। ऐसी होती है सत्य की विजय। आज हमें सब्र करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा, लेकिन इसके पहले अनिवार्य शर्त है कि 4 कषायों का निष्कासन होना। एक कुएं में लड़ते लड़ते 4 कुत्ते गिर गए। 4 कुत्ते गिर गए, गांव के लोगों में बड़ी परेशानी हो गई क्योंकि एक ही कुआं रहता था पहले गांव के बीचों बीच में। लगभग सारे गांव के लोग वहीं से पानी भरा करते थे, प्रेम से बात करते थे, वात्सल्य से मिला करते थे। आज तो ये सब कुछ खत्म हो गया है। घर में 4 है, चारों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हैं, मोबाइल में लगे, कोई किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। पहले गाँव में देहात हाथ देते थे, एक दूसरे के हाथ में प्रेम से मिलाते थे। आपको तो अभी 24 घंटे तक मिलाने का त्याग है। हाँ, लोभ से हाथ मिलाना बुरा है, साधर्मी से नहीं, लेकिन अभी 24 घंटे तक आपको याद रखना है, इसीलिए क्योंकि आपको लोभ का साथ नहीं देना है। तो हुआ ये कि जब कुएं के अंदर 4 श्वान गिर गए लड़ते लड़ते, किसी ने तो देखा ही नहीं, रात में गिर गए थे। प्रातः काल लोग पानी भरने गए तो उस पानी से बदबू आने लगी और वहाँ के पुरोहित को बुलाया कि बताओ क्या करें, पानी में बदबू आ रही है, सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा, सुनो, अगर गंगा जल डाल दोगे तो सारी बदबू खत्म हो जाएगी। गंगा जल डाला गया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, बदबू तो बढ़ती गई। आप पास के पंडित को बुलाया, दूसरे पंडित को बुलाया। उसने कहा, भाई तुम लोग समझो, तुलसी डाल दो इसके अंदर, सारी बदबू खत्म हो जाएगी।
बोलते तो ऐसे ही है सब, अरे अभी बिल्कुल मिनटों में ख़त्म हो जाएगी सारी बदबू। तुलसी डाल दी गई, बहुत सारी तुलसी डाली लेकिन कोई भी बदबू में फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरा आया, उसने कहा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें दूध डाल दो, सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा पानी, सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, लोग बड़े परेशानी में पड़े थे। फिर पास में ही आपका इंदौर शहर था, अब तो इंदौर की शरण में जाना ही पड़ेगा। इंदौर के नामी पंडित को बुलाया गया, उसने देखा, भाई पहले ये जानना चाहता हूँ कि पानी कब से बदबू दे रहा है। लोगों ने बताया उस रात में न जाने क्या हुआ, हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन से पानी पीने के योग्य नहीं रहा। उसने बहुत गहराई से सोचा, विचार किया और कुछ लोगों को नीचे उतारा। देखा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने थे, चार चार श्वान थे और मर चुके थे, उनकी भयंकर बदबू आ रही थी शरीर से। इन चारों को बाहर निकाला, कुएं का सारा पानी बाहर किया, इसके बाद में जो पानी आया बिल्कुल स्वच्छ पानी आया। बात आप लोग समझ गए ना? हाँ, थोड़ी सी भी गंदगी हो तो बदबू आती है, थोड़ी सी भी कषाय हो तो खतरनाक होती है। आचार्य भगवान कहते हैं ऋण थोवम वन थोवम अग्नि थोवम कषाय थोवम च, चाहे थोड़ा सा भी ऋण हो उतार लेंगे ना, कर्ज है तो बाद में उतार देंगे, देर मत करो, कर्ज है तो पहले उतारो। धर्म के लिए देना है दे देंगे, अभी दो चार आठ दस साल में दे देंगे। स्टाम्प पर लिखा करके आए हो क्या? जब तक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के बीच में आप अपनी राशि को जमा करा देते हैं, तब तो वो दान माना जाता है। और जघन्य दान है जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से दिया गया है, कम से कम उस कार्यक्रम के भीतर भीतर में अंत तक तो दे ही दे। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण दान बोलो, शक्ति नहीं है तो मत बोलो, या फिर पहले से करार करो उनको, ट्रस्ट वालों को त्रस्त मत करो, ये सब असत्य की कोटि में जाएगा। कब तक चलोगे अपनी चेतना को, कब तक असत्य की राह पर चलोगे? इसलिए जो जियो सत्य जियो। ना हम किसी से परेशान हो सकते हैं, ना हमसे कोई परेशान हो सकता है। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, ये कदम जिधर उठे ये है जिंदगी। जहाँ जाओ वहाँ बाहर ही बाहर हो, जीवन के रोम रोम में, आत्मा के हर प्रदेश में, असंख्य प्रदेशों में मात्र सत्य ही सत्य बसा रहे। सत्यग्राही बनो, सत्याग्रही नहीं। सत्यग्राही बनोगे तो जो सच है वो मेरा है। जो सत्य का ग्राही होता है वो कहता है जो सच है वो मेरा है, लेकिन सत्याग्रही कहता है कि जो मेरा है वो सच है। गड़बड़ हो गया। इसलिए सत्याग्रही नहीं होना, हमें सत्यग्राही होना है। इसके लिए हम अपने जीवन को कहाँ से और कैसे शुरुआत करें जिससे कि संसार में परिभ्रमण न करना पड़े और हमें कभी भी इस संसार के परिभ्रमण में असत्य के पीछे न दौड़ना पड़े। अनंत काल बीत गया, जो देख रहे हैं जैसा जी रहे हो सब असत्य 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 में, क्योंकि सत्य को जान नहीं रहे। सुना था मैंने कि एक बनारस में एक सेठ व्यक्ति था, उसका नियम था कि नित्य प्रतिदिन तीन भिक्षुक को भोजन दूंगा, भिक्षा दूंगा तभी भोजन करूँगा, इसके पहले भोजन नहीं करूँगा। रोज नियम पल जाता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नियम कैसे पालूं, क्योंकि 10 बज गई 11 बज गई अभी तो कोई भिक्षुक द्वार पर आया ही नहीं, नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं, आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उपवास के दूसरे दिन जल्दी से मंदिर क्यों खुलवाते हो? हाँ, क्यों खुलवाते हो? दर्शन करने के लिए नहीं, जल्दी से भरना करना है। तो जो लक्ष्य है उसके अनुसार कर्मों का बंधन होता है। उस दिन थोड़ी जल्दी है, हाँ
पुजारी भी कहाँ सो रहा है भैया, अलार्म नहीं लगाया था क्या उसने? हाँ क्या बात है, रोज़ तो खोल देता था, आज तो बिल्कुल चला करके और नहीं खोले जा रहा है, इतनी देर हो गई है, कुछ समझता नहीं है। भगवान की भक्ति करने में जो पुण्य बंधेगा उससे ज़्यादा तो पाप ही बंद कर रहे हो, खड़े खड़े पुजारी को कोस रहे हो। भावों को संभालो, और भूखा रह जाऊंगा, नगर में देखा घूमा तो उससे कहीं मिला तो नहीं, लेकिन उसने एक हलवाई की दुकान पर 3 भिक्षुक देखे, शक्कर के बने हुए, अच्छे पिंक कलर के। हाँ 3 भिक्षुक देखे उसने, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा चलो भाई, कहावत है ना, ना मामा से, काना मामा से, उसी को लेकर के चलते हैं।